मैं सबसे पहले मुंबई प्लस का आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस प्रोग्राम में आके हमारे प्रोग्राम की शोभा को बढ़ाया है, और मैं बेहद शुक्रगुजार हूं कि आप जैसे साथियों का और आप जैसे दोस्तों का हमेशा मुझे साथ रहता है, सपोर्ट रहता है। ये मोहम्मद हारून संजर मेमोरियल ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, ये क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, मैं दूसरी बार कैंसिल कह रहा हूँ कि ये टूर्नामेंट नहीं है। जिस तरीके से हम ईद और दिवाली मनाते हैं, उसी तरीके से हम इस टूर्नामेंट इस त्यौहार को मनाते हैं। तो इस टूर्नामेंट से मेरे भाई की बहुत सारी यादें जुड़ी रहती है, जिसको मैं चाहता हूँ कि लोग सालों साल नहीं भुला पाए मेरे भाई के नाम को। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं क्रिकेट का टूर्नामेंट करूँ, अदरवाइज़ सेवरल मेरे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें मैं काम करता हूँ, बट ये प्रोग्राम से मेरा दिलचस्पी और दिली लगाव रहता है, क्योंकि मेरे भाई का बड़ा पसंदीदा खेल था। और ये क्रिकेट नहीं बल्कि एक लोगों को जोड़ने का एक बड़ा एक आसान सा रास्ता है कि लोग एक दूसरे के दिलों को मिले और एक दूसरे से हाथ मिलाए खेल के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो है ये क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम जो क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये क्रिकेट टूर्नामेंट ना होते हुए हम ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि भाईचारा, एक आपसी मोहब्बत एक दूसरे के साथ में रहे। और क्रिकेट खेलने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ से जो इलाके में जो इस तरीके से नशा आम है और नशे के हाल में हालात से जो है मामला बड़े ख़राब हो रहे हैं और नौजवान नस्ल जो तबाह हो रही है, तो किसी ना किसी तरीके से इस तरीके से मोटिवेशन देकर उनको इस तरफ रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं कि आप खेल के माध्यम से आइए तो आपको अच्छी से अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छे अच्छा काम मिल सकता है, आपकी सेहत अच्छी रह सकती है। तो जब सेहत अच्छी रहेगी तो इंसान अच्छे काम करने की सोचेगा। बस यही कोशिश रहती है, एक छोटी सी नाकाम कोशिश हम लोग करते रहते हैं, इसमें अल्लाह की मदद मिलती है, अल्लाह मदद करता है, और हमारी माँ बहनों की दुआएं और हमारे बहुत सारे साथियों की दुआएं, जो लोग हमारे वेलविशर है जो हमारे इस प्रोग्राम में हमारी मदद भी करते हैं। तो इसमें बोलने में कहीं शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक अकेले आदमी से ये काम नहीं हो पाएगा, ये पूरी टीम एफर्ट्स का काम है कि ये पूरी टीम के साथ ही हम लोग ये काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा कहा आपने। मैं तमाम चीता कैम वालों को एक चीज़ और याद दिला दूँ कि चीता कैम में अगर क्रिकेट खेलने की क्षमता आपके अंदर है तो ये है क्रिकेट आपको एक अलग लेवल पे लेके जाने का काम कर सकता है। इसी तरीके से हमारे बीच में यहाँ पर जो आज आवाज़ आलम के नाम से जाना जाता था उस वक्त, और राहिल शेख के नाम से जो बंदे खेलते थे, वो उनका सिलेक्शन भी हुआ था आईपीएल टीम में, मगर मेहनत आपकी होना ज़रूरी है। वैसे ही मैं बता दूँ कि जो हमारे साथ में जलाल सर हैं, उन्होंने हमेशा से ये मेहनत सोची है कि यहाँ पर बड़े चेहरे लाया जाए। चेहरा एक बार जब आपको देखेगा, आपका खेल देखेगा, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको रिकमेंड करेगा और उससे आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ने की कोशिश होगी। मैं सही कह रहा हूँ आपकी बात? देखिए ऐसा है अपना भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अभी कोरोना काल है तो काफ़ी हमको सताया गया कि हम ये प्रोग्राम नहीं रख पाए, लोगों की साजिशें चलती रहती है, लेकिन अल्लाह मदद करता है। और क्रिकेट के माध्यम से इस टूर्नामेंट में हमने जब हमारे आमदार साहब को यहाँ पर लाए, हमने नवाब मलिक साहब के यहाँ से उद्घाटन कराया, तो ग्राउंड की हालात ऐसे है कि मतलब इस वक्त मतलब खेलने की कंडीशन नहीं है, तो साहब ने हमें आश्वासन दिया कि मैं इसको इंशाल्लाह ताला 6-7 महीने में इतना अच्छा कर दूंगा कि यहाँ पे लोग इस गार्डन को देखने के लिए आएंगे। तो हम लोग नवाब मलिक साहब के भी बेहद शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, और ऑलमोस्ट इसका काम मुकम्मल हो चुका है, उसके पेपर वर्क पूरे हो चुके हैं, और इस काम में सना मैडम ने हमारी बहुत मदद की है, और साहब का तो हमेशा प्रेम रहता है, और कप्तान मलिक साहब जो है वो हमारे आइडियल है, जो हमें हमेशा मतलब सपोर्ट करते रहते हैं। तो मैं एंटायर मलिक फैमिली का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस टूर्नामेंट को आगे ले जाने में हमारी मदद की है। हम भी ज़रूर यही चाहेंगे कि चीता कैम का हमारे लिए जो मेन मुद्दा है वो नशेड़ियों है, उसको आप ज़रूर जल्द से जल्द इसी लेवल पे लेके जाके ख़त्म करने की कोशिश करें। शुक्रिया दोस्तों। जैसे मेरे साथ में देखा दोस्तों आप लोगों ने, हमारे साथ में टीम खड़ी हुई है पूरी, जो इस क्रिकेट को आगे लेके जाने का काम ज़रूर करेगी। आप भी अपने बच्चों को इनक्रेज कीजिए क्रिकेट खेलने में, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनके साथ में मिलकर मदद कीजिए ताकि हम नशे को इसी मैदान से जड़ से ख़त्म कर सकें। शुक्रिया दोस्तों।